अभी अयोध्या अगर आ रहे हो याद रखना, अयोध्या में अभी इतना टेम्परेचर है गुरु कि पिघल जाओगे, करीबन 48 डिग्री सेल्सियस है, मतलब दिन में दर्शन नहीं कर पाओगे। देखो यहाँ पे इतना गर्मी है कि साला ये बैठने वाला स्टील बहुत गर्म है, जिधर देखोगे पंखा तो चल रहा, हवा प्रॉपर दे रहा, देख लो गर्मी में सबका हाल, सब भूमे में पड़े हैं भाई। यहाँ पे 2 AC रूम है लेकिन वो भी हाउसफुल है, जगह मिल गया तो ठीक है वरना वैसे ही नीचे पड़े रहो। देख लो जिधर देखोगे उधर लोग पड़े हुए हैं, कहे कि भाई साहब इतना गर्मी है कि कोई जा नहीं सकता अभी ना, आप करीबन 4 बजे के बाद ही जा सकते हो। तो ये रहा लिफ्ट, चलो भैया 4 बजे तो निकला जाए अब दर्शन करने के लिए। तो जंक्शन से सीधे चलते हैं सरयू नदी। भाई साहब इतना गर्मी है तो यहाँ नहा के थोड़ा ठंडा कर लिया जाए दिमाग। देखो दो तरफ नहाने का है, एक ये जो सरयू नदी है ये पुराने वाला है, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब पानी थोड़ा सा साफ़ नहीं है बट ठीक है। देखो इसी का पानी दूसरे साइड भेजा जाता है जो कि काफ़ी साफ़ है, यहाँ से उसको फिल्टर करके भेजा जाता है, जो कि देखो इस साइड आता है पानी यहाँ पे, ये देखो यहाँ है, ये जो पानी आ रहा है जस्ट उसके अपोजिट साइड से इधर आ रहा है, जो कि इधर से साफ होके इस साइड आ रहा है, दिखाता हूँ। ये सरयू नदी का मेन पानी आया इधर, और इधर दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे आराम से नहा सकते हो, यहाँ पे पानी करीबन घुटने तक है, उससे ज़्यादा नहीं, इसमें करीबन 8 साल के बच्चे को भी आराम से नहा सकते हो, डूबने का कोई इसमें चांस ही नहीं है। पानी तो भाई साहब बहुत गर्म था लेकिन कोई बात नहीं, नहा लिया, उसके बाद चलते हैं हनुमानगढ़ी के दर्शन करने। देखो यहाँ की एक मान्यता है कि आप अगर रामलला का दर्शन करने जाते हो तो पहले सरयू नदी में नहाना है, उसके बाद हनुमानगढ़ी में आके हनुमान जी के दर्शन करना है। तो हनुमानगढ़ी में कुछ खास भीड़ नहीं रहता है, जयकारा लगाते बस अंदर चलो दर्शन कर लेते हैं। देखो यहाँ की मान्यता है कि आप हनुमानगढ़ी में जाकर दर्शन करिए, कहा जाता है कि आप हनुमान जी से आज्ञा लीजिए कि चलें प्रभु से मिलने, प्रभु के दर्शन करने, बस यहाँ की मान्यता है, बाकी मानना ना मानना आपके हाथ में, अपना धर्म को मानते चलिए। आप अयोध्या में जैसे आओगे आपको एक चीज़ नोटिस जरूर करोगे कि जहाँ भी आप देखोगे ना, अगर आप शांति से जा रहे हो तो आपको कोई ना कोई टोकेंगे, भैया राम का नाम लेते रहो, राम नाम जपते रहो, भाई साहब क्या दिक्कत है, आए हो राम के नगरी में तो राम का नाम नहीं लोगे तब किसका लोगे। सभी को राम नाम का उच्चारण करना है, राम प्यार से आपको कहेंगे, जो भी भैया दादा चाची जो भी आप हैं आपको प्यार से बोलेंगे भैया राम का नाम लेते चलो, बाकी आप प्यार से राम का नाम लो, राम का नाम लेते लेते आप पहुंच जाओगे। बस ये रहा यहाँ से शुरू होता है यात्रा, यहाँ से मेन यात्रा यहीं से, मेन गेट यही है, यहाँ से 2 किलोमीटर अंदर जाओगे उसके बाद हमारे प्रभु श्री राम का दर्शन होगा। देखो गर्मी में आते हो तो थोड़ा बात का ध्यान रखा करो, अगर बुजुर्ग आपके साथ में या बच्चे हैं जो भी मतलब जो सेंसिटिव हैं गर्मी को में उनको ज़्यादा नहीं बर्दाश्त हो पाता तो शाम में दर्शन किया करो, बाकी बेहतर है, ऐसा कुछ खास गर्मी नहीं, हम लोग तो झेल सकते इतना गर्मी, इतने तो नाजुक नहीं है कि पघिल जाएंगे इस गर्मी से। तो चलो भैया राम का नाम लेते लेते चलते हैं अंदर। तो ये रहा आपका फर्स्ट चेक पॉइंट, यहाँ पे आपका लगेज वगैरह जो भी है आप यहाँ पे चेक करा लेते हैं, उसके बाद इसके अंदर जाते हैं। ये रहा आपका फर्स्ट चेक पॉइंट, इसके अंदर अभी एक चेक पॉइंट और है, फिर आपको अंदर आने के बाद जो भी चप्पल जूता लगेज कोई टेंशन ही नहीं भाई, अगर रूम नहीं लिए तो कोई टेंशन नहीं कि कहाँ रखना है। देखो चप्पल रखने के लिए सबसे बेहतर जगह यहाँ पर दिया जाता है, इधर उधर मत फेंका करो, ये रैक दे देगा जो कि निःशुल्क है, आपको एक रिंग आपको एक चाबी दे देगा जो कि 1 कैरेट में आप चप्पल रख दो, चाबी ले लो अगर हाथ धो लो। ये रहा लॉकर, यहाँ पे आप जो भी लगेज वगैरह लाए हो आराम से रख दो, क्योंकि यहाँ से आगे फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, ले जाओगे पकड़े जाओगे वो तो भाई साहब वक्त बताएगा, किस्मत ख़राब रहेगा तो थुरा भी जाओगे, बाकी किस्मत अच्छा रहेगा तो वापस आके यहाँ फिर रखना ही पड़ेगा। तो देखो दर्शन हो गए, करीबन ज़्यादा भीड़ तो था नहीं फिर भी 45 मिनट लग ही जाता है। देखो मैं तो कहता हूँ भाई साहब आप 6 बजे के बाद आया करो दर्शन करो, क्योंकि 5 से 6 के बीच अगर आप मंदिर के आसपास रहोगे तो आपको आरती भी देखने को मिल जाएगा जो कि फ्री से, ऐसा नहीं कि कुछ उसका आरती होगा तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, आरती में आप दर्शन कर सकते हो आराम से। दर्शन भी हो गया, भूखे पेट दर्शन करना था कर लिए, अब चलते हैं खाना खाने जो कि भूख बहुत तेज लगा है। तो देखो पास में एक कनक भवन है अयोध्या, यहाँ हनुमानगढ़ी के पास में यहाँ पे कनक भवन है जो कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा खाना मिलता है। देखो अनलिमिटेड खाना मिलेगा, ज़्यादा पैसा नहीं लेता,
मतलब 80 रुपये में तुम जितना चाहो तमस के खाओ, ले जा सकते हो, नहीं ले नहीं जा सकते हो, जितना खाना तुम यहीं पे बैठ के खाओ 80 रुपये में, चाप के खाओ कोई दिक्कत नहीं, खाओ उसके बाद चुपचाप निकल जाओ स्टेशन, रूम नहीं मिलता कोई दिक्कत नहीं है, स्टेशन में तुमको इतना चिल्ड एसी वाला रूम मिलेगा विश्वास नहीं करो। देखो अब तक जितना भी सफ़र किए सबसे बेहतर स्टेशन अभी तक यही लगा भाई साहब, एयरपोर्ट वाला मतलब फील ला दे रहा है। एयरपोर्ट नहीं गए तुम अयोध्या जंक्शन आ जाओ, एयरपोर्ट वाला असली मज़ा यहीं तुमको मिलेगा, कितना मतलब अच्छा बना दिया। तो ये रहा अयोध्या स्टेशन का सबसे चिल्ड एसी वाला रूम, इतना चिल्ड है कि सोच लो 48 डिग्री सेल्सियस में भी लोग ओढ़ कर सोए हुए हैं, सब बेडशीट ओढ़ ओढ़ कर सोए, इतना ठंडा यहाँ का एसी।